हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा राजस्व विभाग में कानूनगो और अमीन का पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके पहले कुछ जरूरी बिंदु पर बात करते हैं। जैसे कि फीस देखा जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 800 रुपये फीस है, एससी एसटी का 400 रुपये फीस निर्धारित की गई है। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए कई सारे पोस्ट आपको दिख जाएंगे, जैसे कि स्पेशल सर्वे अमीन 8244 पोस्ट है, जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है सोशल सर्वे क्लर्क का 744, इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से। नीचे बढ़ेंगे स्पेशल सर्वे कानूनगो 758 पोस्ट है, इसके लिए भी डिप्लोमा आपका मांगा है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। और एक पोस्ट और है स्पेशल सर्वे असिस्टेंट एएसओ का, इसमें बीई बीटेक की डिग्री मांगी गई है, साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी। अधिक देर न करते हुए दोस्तों हम सीधे फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया अप्लाई ऑनलाइन पर, तो आप डायरेक्ट हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप यहाँ पे राजस्व विभाग की वेबसाइट पे। यहाँ देखेंगे आपको दिखेगा ऊपर में लॉगिन ऑलरेडी, जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप नया कैंडिडेट हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। फॉर्म जो है आपका 1 से लेकर 7 चरणों के बीच में होगा। ऊपर देखेंगे यहाँ पे पोस्ट नेम शो करेगा, यहाँ पोस्ट नेम है, यहाँ से आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ क्लर्क वाले को, यहाँ पोस्ट कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, सर्वर प्रॉब्लम से शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका डिग्री पूछेगा कि आप एलिजिबल हैं इस डिग्री इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर यस कर देंगे। यहाँ अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, याद रखिएगा आपको पूरा नाम नहीं डालना है, फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद कन्फर्म फर्स्ट नेम में वही नाम डाल देंगे अपना। मिडिल नाम कोई है जैसे कुमार प्रताप तो उसको डाल दीजिए। नीचे देखेंगे लास्ट नेम आएगा, सिंह पांडे कन्हौजिया जो भी है उसको फिल कर दीजिए। फिर यहाँ कंफर्म लास्ट नेम में उसी नाम को फिल कर दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम शो हो जाएगा। नीचे बढ़ेंगे मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, फिल कर देंगे कन्फर्म मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर को फिर यहाँ पर फिल कर देंगे। नीचे इंटरनेट मोबाइल नंबर मांगा है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। उसके बाद ईमेल आईडी आपसे पूछेगा, ईमेल आईडी अपना फिल कर दीजिएगा, कंफर्म ईमेल आईडी नीचे है उसको फिल कर दीजिएगा। नीचे यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा को फिल कर देंगे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड में। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। चलिए हम फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आगे का प्रोसेस जानते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं यहाँ फिल कर दिया हूँ, उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। सेवन नेक्स्ट करेंगे आपको अगले पेज पे ये ले जाएगा, यहाँ पे पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे इसे। ओके करते हैं, यहाँ देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीट। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा, इसको आप नोट कर लेंगे, नहीं तो आपके मोबाइल पे भी गया होगा। फिर यहाँ से आप कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा नीचे आपका, यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे आपको यहां से फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है उसी को यहां पे फिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देना होगा। देखिए मैं यहां पे भर लिया हूं, सबमिट कर रहा हूं। सबमिट करने के बाद आपको लिस्ट नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। नेक्स्ट पेज देखिए अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे करेंट पासवर्ड, जो आपको मोबाइल पर गया था पासवर्ड उसको यहाँ फिल करना है। उसके बाद नीचे देखेंगे न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है, इसमें आप नया पासवर्ड अपना बनाएंगे, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए आपका पासवर्ड, उसको फिल करेंगे। उसके बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड नीचे है जो आप बनाए हैं नया वाला, उसको यहाँ फिल करके इस कैप्चा को यहाँ सिक्योरिटी कोड को भर के अपडेट पे क्लिक कर देना है। देखिए हम बना लिए हैं और अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं। अपडेट पे क्लिक करते ही यहाँ कोने में देखिए पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुल का ऑप्शन दिख जाएगा, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम क्लिक हियर पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करेंगे फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो नया पासवर्ड बनाया है उसको डाल के, और यहाँ से सिक्योरिटी कोड को एंटर करके सबमिट कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं, आप सबमिट कर रहे हैं, लॉगिन करेंगे।
लॉगिन करेंगे, पेज लोड लेगा, इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा। जो आप पहले रजिस्ट्रेशन किए थे उसका डिटेल कुछ शो करेगा यहाँ पे, उसको आप चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, नीचे से नेक्स्ट करेंगे। अब बेसिक डिटेल्स पे आ जाएंगे, बेसिक डिटेल में जैसे सिलेक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ग्रेजुएट चूज़ कर लेंगे। अब बिहार के निवासी हैं, यस या नो में जवाब देना है आपको। आप ये नो करते हैं तो आप अनरिजर्व कैंडिडेट हो जाएंगे, भले आप एससी कैंडिडेट हो। यहाँ पे अपना आप कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, अनरिजर्व ओके कर देंगे। नीचे बढ़ेंगे आप, यहाँ पे देखिए नॉन क्रिमिनियल है, ये पहले से हाइड किया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्लेम आपका ये विकलांगता है, तो यस या नो में जवाब देना है, यस या नो में टिक कर देना है। जब यस करेंगे तो डिसेबिलिटी का आपको देना पड़ेगा डिटेल्स। फ्रीडम फाइटर भी आपका यहाँ पे हाइड कर दिया है, इसको नहीं कुछ छेड़छाड़ करना है। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए दिया है डू यू आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो यस या नो में जवाब देंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरना पड़ेगा, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे बिना किसी मिस्टेक के, इसलिए वीडियो को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए मेटेरियल स्टेटस में अनमेरिड है, मैरिड है उसको लिखेंगे। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, शरीर पे कहीं कटे पिटे का निशान है तो उसको यहाँ लिखेंगे, जिसको जैसे तिल वगैरह भी है उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फादर्स नेम डाल देंगे, नीचे आएंगे मदर्स नेम का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ मदर्स नेम लिख देंगे। उसके बाद आपका कॉम्पोजिडेंट एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, विलेज का नाम यहाँ डाल देंगे, नीचे पोस्ट का नाम डाल देंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, स्टेट ऑफ अपना जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यूपी सिलेक्ट किया हूँ, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल करके ब्लॉक का यहाँ पर नाम लिख देंगे और यहाँ पर पिन कोड अपना एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका अगर सेम पता है ऊपर परमानेंट पता, तो इस चेकबॉक पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ देखिए फीस शो कर रहा है आपका, 800 रुपये फीस कटेगा। उसके बाद वैलिड डेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, यदि कोई फॉर्म भरने में गलती किए हैं तो ये बता देगा कहाँ पे गलती है, ठीक है। हम वैलिडेट करेंगे, यहाँ देखिए वैलिडेट वेरीफाई हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद सेवन नेक्स्ट कर देंगे, सेवन नेक्स्ट करेंगे तो आपको अगले पेज पे लेके जाएगा भरने के लिए। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना स्कूल का नाम लिख देंगे, वो भी साथ में पते के साथ। उसके बाद यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, CBSE बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड हैं, यदि आप दूसरे बोर्ड के हैं तो यहाँ से अदर्स पर क्लिक करके उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, जैसे यूपी बोर्ड है तो उसको लिख देंगे। यहाँ से आप गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। पास आपका पासिंग स्टेट कौन सा है उसको चूज़ कर लेंगे, किस स्टेट से पास किए हैं, यहाँ पर पासिंग डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, किस ज़िले से आप पास किए हैं अपना हाई स्कूल, यहाँ से पासिंग ईयर चूज़ कर लेंगे, किस साल में आप हाई स्कूल पास हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे परसेंटेज है या CGPA है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फॉर्म काफ़ी बड़ा है इसलिए ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ पे कितना नंबर आप पाए हैं टोटल में से उसको लिखेंगे, यहाँ टोटल पूरा अंक लिख देंगे अपना, यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको शो कर जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर देखेंगे तो आपको इंटर का डिटेल देना पड़ेगा, जैसे आप हाई स्कूल का दिए थे वैसे ही सेम प्रोसेस है दे दीजिएगा, फिर ग्रेजुएशन का उसी प्रकार से दे दीजिएगा, फिर हायर कोई क्वालिफिकेशन है जैसे MA है, MSc है तो उसको दीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट डिटेल और सेवन नेक्स्ट आपको कर देना है। देखिए वैलिडेट डिटेल हम करते हैं तो वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली, उसके बाद सेवन नेक्स्ट कर देंगे। सेवन नेक्स्ट करने के बाद देखिए एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं, इसलिए फ़ोटो और सिग्नेचर पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ से अपना फ़ोटो चूज़ कर लेंगे। फ़ोटो आप ध्यान दीजिएगा इसमें जो है कि 20 से लेके 50 के बीच का फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 10 से लेके 20 के बीच का होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल में जो सनद मिलता है सनद को यहाँ पे लगा देना है, वो PDF फॉर्मेट में, उसकी साइज़ जो है 500 KB से लेके 2 MB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको हाई स्कूल का अपना मार्कशीट यहाँ पर लगा देना होगा, मार्कशीट लगाने के बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। उसके बाद नीचे है रेसिडेंट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगा देना है, और उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके आपको सेवन नेक्स्ट करना है। फोटो रिसर्च में मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, चेकआउट कर लीजिएगा कैसे करना है, उसको आप देख लेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए मैं जैसे प्रीव्यू करके अपना दिखा दिया, सब अपलोड कर लिया हूँ, उसके बाद कैप्चा को फिल कर लिया हूँ और सेवन नेक्स्ट करूँगा। आप
यहाँ देखिए पॉपअप देगा, ओके कर देंगे इसको, यहाँ से ओके करेंगे ये आपको नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे ले जाएगा। इसका थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम है इसलिए वो काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ देखिए प्रीव्यू आपका शो हो जाएगा, कोई गलती तो नहीं, आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, यदि गलती होगा तो आप इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, या पेमेंट कर देंगे तो फिर कोई भी गलती सुधार नहीं होगा। यहाँ फ़ोटो पे चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे डिक्लेरेशन में, आई एग्री पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर वाले नीचे क्लिक करके फाइनल सबमिशन पे कर देंगे, यहाँ से पॉपअप आएगा ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए आपका पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, 800 रुपये फीस कटेगा। मैं ऐसी कैटेगरी में हूँ फिर भी जो है मेरा 800 जनरल का फीस कटेगा क्योंकि मैं दूसरे स्टेट का हूँ। उसके बाद इसको सबमिट करके आप पेमेंट वाले गेटवे पे पहुँच जाएंगे। यहाँ देखिए पेमेंट का कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है, डेबिट कार्ड से, अदर डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यहाँ QR कोड से भी आप पेमेंट कर देंगे। दोस्तों यदि आप पेमेंट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।